तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर के अंदर हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर सपोज करो आपके पास कोई भी एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, तो एक सर्कुलर वायर है और इसमें क्लॉकवाइज करंट है, आई अमाउंट ऑफ क्लॉकवाइज करंट है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड लेट अस सपोज इनसाइड है, और मैंने ये बताया कि क्योंकि इट इज लाइंग इन करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो ये क्या है? डीएल। ये क्या है? डीएल, राइट? डीएल डीएल ऐसे। तो इसके अंदर करंट कहां पर है? ऊपर है। तो बी बोर्ड के अंदर है, करंट ऊपर, फोर्स कहां पर है? लेफ्ट। तो ऐसे इसमें बी इनसाइड है, करंट नीचे है, फोर्स कहां पर है? राइट। आप जहां भी देखेंगे ऐसे केस में फोर्स एक्सपीरियंस कहां पर मिलेगी आपको? आउटवर्ड मिलेगी, राइट? आउटवर्ड मिलेगी। तो अब इस केस में अगर फोर्स आउटवर्ड है तो रिंग एक्सपैंड हो जाएगी, तो इसमें टेंशन आ जाएगी, आपको टेंशन इन दी वायर निकालनी है, रिंग निकालनी है। तो इसके लिए एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीएल। ये स्मॉल एलिमेंट जो एंगल बनाएगा सेंटर पे वो अल्फा बनाएगा, सच दैट आधा एंगल अल्फा बाय टू एंड अल्फा बाय टू। टेंशन हमेशा टेंजेंशियल होती है, टी एंड टी, कुछ ऐसे, ठीक है? तो मैंने क्या किया, अगर मुझे इसमें टेंशन निकालनी है तो पूरी रिंग बनाने की मेरे को जरूरत नहीं है। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर अब पार्ट ऑफ रिंग ले लिया डीएल वाला बस। तो एक्चुअल में तो पूरी रिंग का पार्ट है, पर मैंने जो बनाया वो सिर्फ डीएल वाला पार्ट ले लिया। तो अभी हमने डिस्कस किया था, आप चेक कर सकते हो इसमें, कि जब मैंने अभी ये डायग्राम बनाया था, ये वाला बस मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर मैंने ये भी बताया कि ये करंट है, बी बोर्ड के अंदर है करंट इधर, तो ये वाला एलिमेंट फोर्स एक्सपीरियंस ऊपर करेगा, बी आई इंटू कितना? डीएल, बी आई डीएल। तो इसके अंदर अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को बनाएं, तो आप चेक करें यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही गिवन है कि एक वायर में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, लूप है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, आपको टेंशन निकालनी है इसमें। तो मैंने डायग्राम बना के दिखाया, टेंशन टी एन टी टेंजेंशियल है, ये टोटल एंगल एल्फा, तो आधा एल्फा बाई टू एल्फा बाई टू, ये एल्फा बाई टू, तो ये भी एंगल यहाँ से ऑल्टरनेट एंगल से ये अल्फा बाई टू, तो ये भी क्या बनेगा? अल्फा बाई टू। ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे है, तो ये क्या बनेगा? 90 माइनस अल्फा बाई टू। ये और ये 90 पे है, तो 90 माइनस अल्फा बाई टू से क्या बनेगा? अल्फा बाई टू। क्लियर है यहाँ तक? अल्फा बाई टू। तो ऐसे ये अल्फा बाई टू, तो ये भी अल्फा बाई टू। तो टी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, टी कॉस अल्फा बाई टू, टी साइन अल्फा बाई टू। ऐसे टी कॉस अल्फा बाई टू, टी साइन अल्फा बाई टू। तो रिंग एक्सपैंड हुई, रिंग को इस एलिमेंट को बाहर की तरफ एक्सपेंशन फोर्स क्या लग रही है? बी आई इंटू डी एल। और डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रही है? क्योंकि कभी ना कभी तो आगे रुकेगी, तो वहां पर इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बैलेंस होंगी। तो नीचे की फोर्सेज क्या हैं? टी साइन अल्फा, टी साइन अल्फा। और क्योंकि एलिमेंट एक्चुअल में बहुत छोटा है, तो ये दोनों टी साइन अल्फा इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, एक्चुअल में सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं सर्कल के। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ऊपर की फोर्स बी आई डी एल इस बैलेंस में नीचे की फोर्स 2t इनटू साइन ऑफ अल्फा बाय 2, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं, और मैथ्स में अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन ऑफ अल्फा बाय 2 कैन बी रिटन एज अल्फा बाय 2। तो ये इक्वेशन आ जाती है, 2 से 2 कैंसिल, मुझे क्योंकि टेंशन निकालनी है तो टेंशन एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो टेंशन आ गई। अब मुझे पता है कि पूरे सेक्टर में एंगल कितना है अल्फा, और ये आर्क कितनी है डीएल, और रेडियस है आर, तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो यहां से आर्क बाय एंगल क्या होगा? रेडियस। तो यहां से डीएल बाय आर की जगह क्या आएगा? आर। इसे ना बॉक्स में डाल लो, मैंने असाइनमेंट के प्रिंट आउट दिए हैं। आज के बाद ये क्वेश्चन अगर आया ऑब्जेक्टिव में आएगा, एनसीईआरटी में नहीं आएगा। ये शीट एनसीईआरटी की शीट नहीं है, सिर्फ कंपटीशन की शीट है। कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन आया, सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। टेंशन का फॉर्मूला याद रखो, कितना? बी आई आर। तो ये मैंने इसलिए प्रूफ करवाया कि आपको एटलीस्ट पता हो कि कैसे आया, अदरवाइज आपको टेंशन बी आई आर याद रखना है। क्लियर है यहां तक? और ये भी हो सकता है आपको वो कहेगा कि जो रिंग बनाई आपने वो एल लेंथ की रिंग बनाई है, तो अगर एल लेंथ की रिंग है तो एल क्या होगा? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी? एल डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो एंड में आर की जगह एल बाय 2 पाई भी पुट कर सकते हो, वो ऑप्शन देख के आप पुट करना। तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि एक वायर है, एक वायर में आई वन करंट है, थिन वायर है, और ये थोड़ी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में करंट है आई टू। इस स्ट्रिप का लैम्डा गिवन है, कितना? इस पूरी स्ट्रिप में थिक स्ट्रिप है, आई टू करंट है, और कितनी विड्थ में? बी विड्थ में। तो लैम्डा की जगह क्या आएगा? आई टू बाय
बी आएगा, ठीक है यहाँ तक आई टू बाई बी आ गया। तो आपको इसमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है दोनों वायर्स में। तो पहली बात, ये थिन है ये थिक है, तो इसमें फॉर्मूला नहीं चलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो हम क्या करेंगे, इस थिक का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, पतली वायर लेंगे, इसकी थिकनेस क्या लेंगे dx लेंगे। तो यहाँ बना सकते हो इसकी जो थिकनेस है रेड कलर की, ये थिकनेस हमने कितनी ली dx ली, और ये कितनी दूरी पे ली हमने x दूरी पे ली। तो यहाँ तक ये एक थिन वायर की तरह काम करेगी, और थिन वायर और थिन वायर में आपका जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाय 4π2i1, जो पतली स्ट्रिप है उसमें कितना करंट होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। कैसे, लैम्डा का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट पर यूनिट लेंथ और हमारी थिकनेस कितनी है, लेंथ कितनी है डी एक्स। तो ये उस रेड कलर की स्ट्रिप में क्या आ गया, करंट आ गया, और रेड कलर की स्ट्रिप कितनी दूरी पे है एक्स, तो ये क्या आ गया आपके पास डी एफ। लैम्डा क्या है, आई टू अपॉन बी, करंट आई टू डिवाइडेड बाई बी, तो ये आपके पास क्या आ गया डी एफ आ गया। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, तो इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगेगी, जो पहला एलिमेंट है उसकी दूरी कितनी है a, और आखिरी वाली लेंथ कितनी है a प्लस बी, तो लिमिट यहाँ पे लगानी पड़ेगी a से लेके a प्लस बी। 1 बाई एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है log x, कहाँ से कहाँ, a से लेके a प्लस बी, एक बार x की जगह a प्लस बी, एक बार x की जगह a, तो log ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई a, तो log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज log ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से ये क्वेश्चन किया कि अगर दो वायर्स हैं परपेंडिकुलर, आपको लोकस निकालना है उन पॉइंट्स का जहाँ पर नेट बी जीरो है। एक काम करते हैं, इन दो वायर्स में आई वन आई टू परपेंडिकुलर वायर में करंट है, और मान लो ये एक कोऑर्डिनेट है सच दैट ये वाई है और ये एक्स है, तो मुझे पता है कि जो वाई डिस्टेंस पे ये आई वन करंट है वो यहाँ पे बी लगाएगा। कैसे बी लगाएगा, करंट की डायरेक्शन में थंब है तो बी कैसे है आउटवर्ड है, और करंट की डायरेक्शन में थंब है तो बी कैसे है इनवर्ड है। तो ये करंट आउटवर्ड बी जनरेट करेगा, ये करंट इनवर्ड बी जनरेट करेगा, और नेट बी जीरो करने के लिए दोनों की बी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट। तो वाई डिस्टेंस पे आई वन वाला करंट कितना बी जनरेट करेगा, इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट बाय 4π2i1 बाय वाई, और ये कितना करेगा, म्यू नॉट बाय 4π2i2 बाय एक्स। तो ये आपके पास बी की क्या आ गई वैल्यू। तो यहाँ से वाई और एक्स की जो रिलेशन है उसी को क्या बोलते हैं, हमने लोकस निकाला। तो ऐसा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे मार्क करना, राइट। नेक्स्ट जो है सर, एक सेकंड बोलो सर, लास्ट वाले क्वेश्चन में वो डायग्राम हमें कौन से वाला गिवन था, पहले वाला, पहले वाला वो खुद निकालना है कोई एक्स कॉमा वाई। ओके सर, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में आपके पास ये तीन वायर्स हैं, इन तीन वायर्स में करंट है नीचे ऊपर ऊपर नीचे, जो बीच वाली वायर है, जो बीच वाली वायर है वो वाई है, वो वाई है। तो आपको वाई वायर के 25 सेंटीमीटर लेंथ पे फोर्स निकालनी है क्या होगी। अब ये और ये करंट, दोनों वायर्स में करंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाली वायर इसे क्या करेगी, रिपेल, और ऐसे ये और ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये वायर भी इसे क्या करेगी, रिपेल। तो मैं बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर लूँगा, माइनस। तो एक काम करते हैं, 30 और 10 एम्पियर का करंट की जो फोर्स की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, म्यू नॉट बाय 4π2 इंटू 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और लेंथ कितनी है इसकी 25, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई, फोर्स आ गई। ऐसे ही ये और ये, इन दोनों में फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हुई, म्यू नॉट बाय 4π2i1i2 बाय r, या डिस्टेंस इनके बीच में जो भी होगा, और 25 सेंटीमीटर में निकालनी है इसको, 25 सेंटीमीटर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे नेट फोर्स निकलेगी इसमें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन के अंदर एक पी क्यू आर एक वायर है, आपको रेशियो निकालनी है पी क्यू लेंथ के ऊपर फोर्स और क्यू आर लेंथ के ऊपर फोर्स की रेशियो क्या है, ये आपको बतानी है। तो इसके अंदर पी क्यू के अंदर फोर्स कैसे निकलेगी, बी राइट की तरफ है, बी आई एल, एल में क्या आएगा पी क्यू, तो बी आई पी क्यू साइन 90, बी आई पी क्यू साइन 90। उसी तरीके से क्यू आर,
क्यू आर के केस में फोर्स की वैल्यू क्या है, बी इंटू आई इंटू क्यू आर साइन ऑफ कितना 45, तो बी आई क्यू आर साइन 45 ये रहा। अब मुझे पता है कि इस ट्राइंगल में कॉस ऑफ 45 क्या होगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर, तो कॉस 45 इज पी क्यू बाय क्यू आर, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर आएगा √2 इंटू पी क्यू। तो इस क्यू आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो आपके पास ये देखो पी क्यू इंटू रूट टू साइन 45 भी 1/√2 होता है, ये कैंसिल, तो ये आ गया फोर्स ऑन क्यू आर जो कि सेम वैल्यू है बी आई इंटू पी क्यू जो पी क्यू पे आई थी, तो ये फोर्स और ये फोर्स बिल्कुल सेम है, इनकी रेशियो क्या आएगी 1:1। तो कुछ नहीं करना आपने, पहली वायर पे फोर्स निकालनी है, दूसरी पे फोर्स निकालनी है और दोनों को डिवाइड कर देना है। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे ये क्वेश्चन है, देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर ए बी सी, एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट है, ए से लेके बी से लेके सी तक करंट है, 10 एम्पियर का करंट है, बी इसमें 5 टेस्ला है, आपको फोर्स निकालनी है ए बी सी पे क्या फोर्स होगी, ठीक है, तो ए बी सी पे क्या फोर्स होगी ये आपको निकालना है। तो एक बात बताओ, आपको टोटल फोर्स निकालनी है, मैंने क्या सिखाया था, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर लो, सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर वायर टेढ़ी मेढ़ी भी है तो भी क्या करना होता है, स्टार्टिंग एंडिंग को ज्वाइन करना है, तो वायर कैसी भी घूम के आ रही है ए और सी को ज्वाइन कर लो। तो अगर आप फोर्स ए सी पे निकाल दो तो पूरी वायर की फोर्स भी एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी जो ए सी पे होगी, एक ही बात है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम ए बी सी की फोर्स निकालने के लिए सिर्फ ए सी ले लेते हैं, क्योंकि करंट ए से सी जा रहा है तो इस वायर जो इमेजिनरी वायर है इसमें भी करंट ए से सी ही जाएगा, राइट। अब क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी आई 5 सेंटीमीटर इंटू साइन 90। क्लियर है यहां तक? और डायरेक्शन अगर फोर्स की निकालनी है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है बोर्ड के अंदर है, करंट कैसे है ऐसे है, तो फोर्स कैसी आएगी ऐसे, तो नेट फोर्स कैसी आएगी, ये नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी। तो कुछ नहीं करना आपने, आपने बस सिंपली ए बी और सी, आपने सिंपली ए बी और सी को, ए और सी को ज्वाइन कर लिया, आपने अपनी वायर ये मान ली, सिंपल ये आपकी वायर है, तो आपने बी आई एल इसके ऊपर लगा दिया और फ्लेमिंग के रूल से करंट बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, फोर्स यहां लगा दी, ठीक। अब एक तो ये आंसर आ गया। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे को क्लिक ही नहीं किया किसको ज्वाइन करना था, मेरे को ऐसा लगा कि दो वायर्स हैं, दो वायर पे इंडिविजुअल फोर्स निकाल देते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसे, ये देखो, अगर कोई कहता है मेरे को ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं समझ में आया, आप एक काम करो, ये वायर ले लो, इस वायर पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी आई लेंथ, लेंथ कितनी 3 सेंटीमीटर, साइन 90, डायरेक्शन बोलो, बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां पर है, राइट है, बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां पर है, राइट है, तो ये आपके पास एफ वन वेक्टर आ गया। क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से इसके ऊपर फोर्स क्या होगी, बी आई एल साइन 90, और लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, 4 सेंटीमीटर, डायरेक्शन बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, और फोर्स कहां पर है, ऊपर, तो फोर्स कहां पर है, ऊपर। तो देखो, एक फोर्स राइट है, एक फोर्स ऊपर है, तो दोनों की दोनों फोर्सेस आपस में कितना एंगल है, 90, तो नेट फोर्स क्या आएगी, नेट फोर्स इधर ही आएगी जैसे पहले आ रही थी। तो क्यों हम दो वायर में अलग अलग लगाएं, हम एक ही वायर ले लेते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेते हैं ए और सी को ज्वाइन करके, तो ए सी के ऊपर सीधा रिजल्ट लगाओ या दो वायर्स का अलग अलग करके वेक्टर सम लगाओ, बात एक ही है। तो इसलिए मैंने दो बार नहीं किया, पहले एफ वन लो, फिर एफ टू लो, फिर वेक्टर सम लो, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्वाइन करके सीधा ले लूंगा, ज्यादा बेटर आंसर आएगा, जल्दी आंसर आएगा। क्लियर है इसमें क्या करना है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन, एक लूप पड़ा है, करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया, तो कह रहा है लूप कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपैंड होगा। अब एक चीज देखो, इस लूप के अंदर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, आप कोई मर्जी एलिमेंट लो इसका, एक एलिमेंट ये ले लो कोई मर्जी एलिमेंट ले लो, तो इसमें करंट नीचे जा रहा है, बी इसमें बाहर है, करंट इसमें नीचे है, बी फर्स्ट फिंगर बाहर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहाँ है, बाहर, ये फोर्स है, तो फोर्स कहाँ पर है, इस तरफ फोर्स है। अच्छा, इधर लें, बी कहाँ पर है, बाहर है, बी बाहर है, बी करंट कहाँ पर है, ऊपर है, बी बाहर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ पर है, मेरी तरफ है,
तो देखो मेरी तरफ है, आप कोई मर्जी एलिमेंट ले लो, फोर्स बाहर ही लगेगी, इसीलिए ये लूप क्या होगा, एक्सपैंड होगा। लूप एक्सपैंड होगा क्योंकि जब रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगी तो ये रिंग एक्सपैंड होगा। तो आपने यही बताना है कि रिंग एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है, इस बार फिर से करंट कैरिंग लूप है, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर बाहर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, रेडियली आउटवर्ड है ऐसे। तो इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? एक काम करते हैं, यहां लेते हैं करंट, चलो ये आई करंट है, यहां लेते हैं ये आई करंट है। तो अगर ये आई करंट है तो बी कहां पर है, इस तरफ है, करंट कहां पर है, ऊपर है, बी इधर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहां लग रही है, इनवर्ड्स, बी करंट ऊपर, फोर्स कहां पर है, इनवर्ड। चलो यहां देखते हैं, बी कहां पर है, इस तरफ है, और करंट कहां पर है, नीचे, तो फोर्स कैसे है, इनवर्ड्स। आप जहां मर्जी देख लो, फोर्स हमेशा आपकी कैसी आएगी, इनटू द पेज, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड्स। तो समझ में आ रहा है फ्लेमिंग का रूल इसमें कैसे लगेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। ये फिगर है, इस फिगर में ये सेमी सर्कल है, दिस डॉटेड इज नॉट अ वायर, इसमें ये सेमी सर्कल है, इसके आधे पोर्शन में लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, राइट में मैग्नेटिक फील्ड टू बी नॉट है, इधर कम है इधर ज्यादा है, आपको नेट फोर्स बतानी है सेमी सर्कल पे क्या होगी। तो इसमें ये एक सेमी सर्कल है, बी नॉट टू बी नॉट, जैसे मैंने बताया। अब कई लोग कहते हैं कि काम करो, जहां से करंट स्टार्ट हुआ एंड यहां पे हुआ, इसे ज्वाइन कर लो, ये डिस्प्लेसमेंट ले लो। मैं तब लेता जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता लेफ्ट और राइट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर चेंज है तो अपने को ये वाला पार्ट अलग लेना पड़ेगा और ये वाला पार्ट अलग लेना पड़ेगा। तो क्योंकि ये कर्व्ड वायर है तो इसको, इसकी फोर्स निकालने के लिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखो, तो ये पहली वायर है, ये आर, तो ये कितनी रूट टू आर। तो इमेजिन करेंगे कि इस रूट टू आर वायर में, इमेजिन करना है वायर तो ये है, पर हमने इसमें सॉल्व करना है, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा, तो करंट ऐसे जा रहा है रूट टू आर में, तो इसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी नॉट आई रूट टू आर, बी नॉट आई रूट टू आर, तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी एफ वन, और डायरेक्शन बी कैसी है, बोर्ड के अंदर, और करंट कहां पर है, ये रहा, तो फोर्स कहां पर है, इस तरफ है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। उसी तरीके से ये मान लो एक सेमी सर्कल है और आपने इसे ज्वाइन किया, ये आर, ये कितना रूट टू आर, तो इसमें करंट इधर आ रहा है, तो ये करंट ऐसे लेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, टू बी नॉट आई रूट टू आर, इस बार टू बी नॉट आएगा, पहले वाले में बी नॉट आएगा, तो फोर्स आ गई, डायरेक्शन बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, फोर्स कैसे है, ऐसे है, तो इस वायर में फोर्स ऐसे है, इस वायर में फोर्स ऐसे है, और एफ वन एफ टू आ गया, बोथ वैक्टर्स एफ वन एंड एफ टू वैक्टर आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब ज्वाइन करेंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, तो नेट फोर्स क्या बनेगी, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस F2 square, F1 पता है, F2 पता है, F1, F2 की वैल्यू को पुट करके आप नेट आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि आपने पहले फर्स्ट वायर लेनी है, ये वाला पार्ट लेना है,
फिर आपने ये वाला पार्ट लेना है, फिर इन दोनों का वेक्टर सम लेना है, ठीक। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ मास m एंड लेंथ l लाइज इन अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड b। जैसे ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, ऐसे है, कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है। आगे अमाउंट ऑफ चार्ज q पासिस थ्रू द रॉड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो q चार्ज पास कर गया छोटे से टाइम के लिए वायर के अंदर, तो करंट पास कर गया बहुत छोटे टाइम के लिए। अब क्योंकि वायर पड़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वायर पड़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो क्या कह रहा है कि जैसे ही चार्ज पास हुआ कंडक्टर बिगिंस टू मूव, हल्का सा हिला कंडक्टर, चार्ज निकल गया, कंडक्टर रेस्ट पे आ गया। पर जब एकदम चार्ज पास हुआ, झटका लगा कंडक्टर को, तो वो मूव किया। तो वो कह रहे हैं जब वो मूव किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी मूव करने की, ये बताओ, ठीक। तो एक नई टाइप की प्रॉब्लम है, हमने ऐसी प्रॉब्लम नहीं की कि एकदम जब चार्ज चला जाता है तो क्या करना होता है। पहले पहला नंबर पॉइंट कि अगर एक कंडक्टर पड़ा है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्या लग रही होगी, बी आई एस साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, बी आई एल साइन 90। अब ये फोर्स है और कितने टाइम के लिए वो चार्ज पास किया, बहुत शॉर्ट टाइम बोला, मान लो डी टी टाइम के लिए, और फोर्स इंटू डी टी क्या होता है, स्मॉल इम्पल्स, और टोटल इम्पल्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो हल्का सा जब झटका लगता है, हल्की सी जब फोर्स लगती है फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट, तो वहाँ पर इम्पल्स की एप्लीकेशन है। तो इम्पल्स इसमें क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम की इंटीग्रेशन, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, बी आई एल। यहाँ से बी एल और बी और एल बाहर आ गया, तो क्या बचा, आई डी टी। अब आई डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, चार्ज। याद करो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इनटू टाइम क्या होता है, चार्ज, और इंटीग्रेशन का मतलब टोटल चार्ज जो कि इसमें क्यू गिवन है। तो मैंने यहाँ पर इम्पल्स निकाल दिया बी एल क्यू। लेकिन इम्पल्स हमने प्लस वन में सीखा था कि इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम में क्या होगा, इनिशियली रॉड रेस्ट पे पड़ी हुई थी, तो वेलोसिटी जो चेंज इन मोमेंटम है, एम वी माइनस जीरो, तो एम वी और जीरो आप चेंज इन मोमेंटम लेंगे यहाँ पे। तो चेंज इन मोमेंटम आपने एक तरीके से निकाला, फोर्स इन टू टाइम से, एक चेंज इन मोमेंटम से, दोनों को आपने क्या किया, इक्वेट करके वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं होती, पर हाँ अगर इस टाइप की फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए करंट पास किया जाए या चार्ज पास किया जाए, तो कैसे वेलोसिटीज निकालनी है, ये केस क्लियर है, तो आप किसकी एप्लीकेशन लगाएंगे, इम्पल्स की एप्लीकेशन इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट है इसमें, जैसे ये एक वायर है, तीन वायर्स हैं रादर, इन तीन वायर्स में करंट ऐसा है, ये लो सेम करंट है और ऐसा करंट है। तो अगर मैं ये बात करता हूँ और करंट की वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है और साइड ऑफ द फ्रेम 1 है, आप बस मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर सी डी पोर्शन पे फोर्स क्या लगेगी, बी आई लेंथ साइन 90, लेंथ क्या लेंगे इसमें, सी डी, फर्स्ट पोर्शन तो क्लियर है। अगर मैं सी एच डी वायर की बात करता हूँ, तो सी एच डी वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की बजाय दोनों दोनों कोने जोड़ दें इसके, तो कोने क्या आएंगे, सी डी। तो यानी कि सी एच डी पे फोर्स निकालना या सी डी पे फोर्स निकालना बात एक ही है, उसी तरीके से सी ई डी पे फोर्स निकालना या सी डी पे फोर्स निकालना बात एक ही है। तो बेटर है हम सी डी पे फोर्स निकाल लें एक, तो सी डी के ऊपर जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, सी डी के ऊपर फोर्स आएगी बी आई एल, पर दो वायर्स का भी सेम कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो यानी कि टोटल फोर्स क्या जाएगी, 3 times बी आई एल। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी वायर्स हैं उनको डिस्प्लेसमेंट से सॉल्व कर देंगे, क्लियर है। अच्छा देखो, 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि सपोज करो जो ये वायर है, मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इस पर फोर्स बताओ कहाँ होगी, बी बोर्ड के अंदर है, बी जो है वो बोर्ड के अंदर है और करंट यहां पर है, तो फोर्स कहां पर है, ऊपर है। तो जब मैं इसकी वायर भी लूंगा वो भी तो यही बनेगी, वो भी ऊपर
फोर्स लेगी, जब मैं ये लूंगा वो भी यही होगा, तो फोर्स तीनों की क्या होगी, ऊपर 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 ऐड हो जाएगी, तो 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट है आई, इसके सामने एक और वायर है फाइनाइट जिसमें करंट है आई, आपको निकालना है इस वायर ने इसके ऊपर क्या फोर्स लगाई। अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी, इस केस में क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो इनफाइनाइट वायर है वो यहाँ पर भी ज़्यादा लगाएगा, फिर कम लगाएगा, कम लगाएगा, कम लगाएगा और कम लगाएगा, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा लगेगी, कम 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 और कम, हमें टोटल फोर्स निकालनी है। हम एक काम करते हैं, इस वायर से, इस वायर के अंदर एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, पहले dx, एक छोटी सी लेंथ लेते हैं dx, कितनी दूरी पे, x दूरी पे, x दूरी पे dx लिया, इस i ने यहां पर b कितना जनरेट किया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय x, तो b जनरेट किया। अब इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल dx, तो स्मॉल फोर्स इस पे ऊपर क्या लगेगी, bi into कितना dx, bi into dx, तो b की वैल्यू को पुट कर लिया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय x, तो ये स्मॉल फोर्स आ गई। टोटल फोर्स के लिए लिमिट्स क्या लगेंगी, p पॉइंट की लेंथ या डिस्टेंस कितना है यहाँ से a बाय 2, और q का कितना है a बाय 2 प्लस a कितना होता है 3 a बाय 2, तो लिमिट लगेगी a बाय 2 से लेके 3 a बाय 2। 1 बाय x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x, a बाय 2 से 3 a बाय 2, x की जगह एक बार अपर लिमिट, x की जगह एक बार लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो यहाँ से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन से कैसे करना है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व। मैंने कहा इसके अंदर इस वायर ने यहाँ बी जनरेट किया, बी निकाल लिया, यहाँ पर स्मॉल लेंथ dx है, तो फोर्स बोलो क्या होगी, यहाँ बी आई डी एक्स, ये रही फोर्स, इस बी को यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई वायर ऐसी है, पैराबोलिक शेप है, और पैराबोला की लेंथ क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये पैराबोला है, 2,2 से लेके 2,-2 तक चल रहा है, तो आपको इसमें बताना है कि इसमें करंट गिवन है 2 एम्पियर, और b वेक्टर माइनस k कैप है, माइनस k कैप का मतलब बोर्ड के अंदर है 4 टेस्ला, तो आपको इसमें ये बताना है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस वायर के ऊपर। तो पहली बात तो कि ये जो वायर है इसको आप क्या करेंगे, इस केस में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगी, ये आ जाएगी, ये 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर। अगर तो मैग्नीट्यूड निकालना है फिर तो बड़ा आसान है, बी मैग्नीट्यूड में 4 टेस्ला है, करंट 2 है, और लेंथ की जगह 2+2 क्या आएगा, 4 आ जाएगा, आंसर भी आया साइन 90, पर आपको ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा करना बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, करंट मुझे पता है 2 एम्पियर है, बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में है, एल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, करंट क्योंकि ए से बी आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी होगी, ए से लेके बी का मतलब माइनस जे कैप, तो ये 4 मीटर है, 4 मीटर के पीछे क्या लगेगा, माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस जे क्रॉस के आंसर क्या देगा, आई कैप। तो आइडिया समझ में आ रहा है, स्केलर आ गया तो भी ठीक, वेक्टर आ गया तो कैसे वेक्टर में आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है इसमें, ठीक। बोलो सर, एक बार वो लास्ट क्वेश्चन में ये बता दो कि वो माइनस फोर जे कैप के लिए ए से लेके बी तक आ रहा है करंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे ए से बी, ये वाई एक्सिस चल रहा है, वाई एक्सिस के नीचे जाना मतलब माइनस जे कैप, ये दिस इज माइनस जे कैप, लेंथ इज 4 माइनस जे कैप। ओके सर। ठीक है, पैराबोला की इसमें इक्वेशन साइज सही नहीं होगी, मुझे पता, देखा नहीं मैंने, फिगर गिवन है, लेकिन आपकी फिगर ही गिवन है, आपको पैराबोला की इक्वेशन चाहिए ही नहीं है इसमें।
इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये करंट कैरिंग वायर गई स्ट्रेट, सेमी सर्कल, स्ट्रेट। आपको फोर्स निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका, आप इसको तीन सेगमेंट में डिवाइड कर लो। अगर आप ये लेंथ लेते हो, इस पोर्शन पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, बी बोर्ड के अंदर है और करंट कैसी है, ऊपर है, तो फोर्स कैसी है, लेफ्ट। ऐसे इसके अंदर बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कैसी है, राइट। तो ये और ये फोर्स आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल। तो इनका अफेक्ट आपस में कैंसल होने वाला है, इनकी वैल्यू मुझे चाहिए नहीं है। अब है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में करंट ऐसे जा रहा है, तो हम सेमी सर्कल के लिए क्या लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, 2R। तो इसको करने के बजाय इस पे फोर्स निकाल दें, बी आई इंटू 2R, और डायरेक्शन बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर जाएगा, तो फोर्स कहाँ है, ऊपर। कोई स्टूडेंट मुझे ये कह रहा था कि ऐसा किया क्यों, तीन पार्ट्स में क्यों कर रहे हो, आप सिंपली इसे और इसे भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन। एक ही स्टेप में आंसर आएगा, बी आई इंटू 2R। भाई जब वायर जैसे मर्जी घूम जाए, आपको जब नेट फोर्स निकालनी है, तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग को यहां से ही ज्वाइन कर लोगे ना, तो भी आंसर बी आई इंटू 2R ही आएगा। चेक कर लो, कर सकते हो, पॉइंट क्लियर है। तो तीन पार्ट्स में करना है तीन पार्ट्स में कर लो, एक ही बारी में करना है एक ही बारी में कर लो, आंसर सेम है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि एक स्विच है, बैटरी है, रेल्स हैं और रॉड है। ये ऐसा नहीं है डायग्राम, ये डायग्राम ऐसा है, तो रॉड रेल्स के ऊपर ऐसे मूव कर रही है, लेकिन ये मैंने टॉप व्यू शूट करके ऐसे बना दिया, तो ये आपको टेबल पे पड़ा हुआ टॉप व्यू है, ठीक है। एक्चुअल में टेबल के ऊपर है ये डायग्राम, लेकिन इसको आप टेबल कैसे दिखाऊंगा, तो ऐसे लगा दिया, आप टॉप से देख रहे हो टेबल को। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने स्विच को ऑन कर दिया, तो करंट दौड़ेगा इसमें, बैटरी से करंट आएगा, वो करंट इसमें जाएगा, ऊपर गया करंट। तो जब करंट कैरिंग रॉड, ये तो फिक्स्ड है सारी चीज़ें, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है रॉड। तो अगर करंट कैरिंग इसमें, जब मैं बैटरी को ऑन करूंगा, तो मान लो मेरा करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो दिस करंट कैरिंग रॉड इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। बोलो कहाँ, बी कहाँ पर है, बाहर। करंट कहाँ पर है, ऊपर। तो फोर्स कहाँ पर है, लेफ्ट। फोर्स लेफ्ट है, तो ये रॉड कहाँ भागेगी, इधर भागेगी, इधर चलना स्टार्ट हो जाएगी इधर। तो यहाँ से चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि एल लेंथ तक जो है, इसकी एल लेंथ है जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, तो चल के कहाँ पे चली जाएगी, एल लेंथ कवर कर लेगी, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो मैग्नेटिक फोर्स इसे यहाँ पुश करेगी, और मैग्नेटिक फोर्स में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी आई, लेंथ इसकी कितनी है, बी, बी आई बी साइन 90। तो मैग्नेटिक फोर्स इसे राइट लेके जाएगी, कितना, एट अ डिस्टेंस ऑफ एल। अब क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स होती तो वो वर्क डन करती, और वर्क डन कितना करती, बी आई लेंथ इनटू कहां तक लेके जाती इसे, एल डिस्टेंस तक। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना जनरेट करती, या अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना जनरेट करती, तो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी जनरेट होती इसको मूव करवाने के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू इसमें बी आई इनटू बी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी थी, एल। यहां तक क्लियर है। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये अमाउंट ऑफ उसमें एनर्जी जनरेट होती, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, या अमाउंट ऑफ वर्क डन बोल सकते हो, जिससे कि वो एल लेंथ तक कवर करती। पर हुआ क्या, ये वर्क डन या ये एनर्जी तो जनरेट हो गई, प्रॉब्लम ये हुई जब इसने चलना स्टार्ट किया, तो यहां पर रेल्स में क्या प्रेजेंट थी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये एनर्जी तो जनरेट हो गई, फ्रिक्शन की वजह से ये एल डिस्टेंस तक मूव कर ही नहीं पाई। ये कहां तक मूव कर पाई, एक्स तक मूव कर पाई। तो बोलो वो एक्स कितना होगा। तो इसमें जो एनर्जी जनरेटेड होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो एनर्जी जनरेट करेगा, वो बी आई बी इंटू एल तक करेगा, लेकिन फ्रिक्शन कहां तक वर्क डन करेगा, एक्स तक, क्योंकि उसके बाद ये रॉड मूव करना बंद हो जाएगी। तो यानी कि सारी एनर्जी जो मैग्नेटिक फोर्स ने जनरेट की, वो सारी एनर्जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वर्क डन में कंज्यूम हो गई। तो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, सारी एनर्जी को कंज्यूम कर दिया बाय ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स एम जी, एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो अब इस टाइप की प्रॉब्लम, ये पहली प्रॉब्लम है। अब अगर आप और लेवल्स इंक्रीज करते हो और एडवांस तक जाते हो, वो लोग पूरा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें डाल के देते हैं,
कि उसमें एक्सेलेरेशन निकालो, न्यूटन के लॉज लगाओ, इधर की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, फिर इंटीग्रेट करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, इस टाइप की प्रॉब्लम में वो लेवल चलते हैं। पर मेंस तक नॉर्मली यही लेवल चलते हैं जो हम कर रहे हैं, नीट तक यही लेवल चलते हैं, मेंस नीट यहीं तक चलता है। बट आपको एक आइडिया समझ में आ रहा है कि आगे ये कैसे लेवल पकड़ जाएगा, अगर बहुत ऊपर जाएंगे तो फ्रिक्शन ये वो सब चीज़ें इंक्लूड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इवन अगला चैप्टर ईएमआई वो भी इसमें आ जाता है, ईएमआई ये चैप्टर और फ्रिक्शन ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है। बट आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो एक एक क्वेश्चन अगर हम करें तो अगर आपको मिलेगा तो समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने कर भी लिया था लास्ट टाइम कि अगर यहाँ से कोई आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है तो कुछ डिवाइड हो जाएगा आई बाई टू एंड आई बाई टू, तो आपको हर के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो हर क्योंकि स्क्वायर है तो बी आई एल साइन 90, 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 डायरेक्शन निकाल लेना क्योंकि करंट इधर है, बी बाहर है, बी बाहर है, करंट इधर है, तो फोर्स कैसी है नीचे, नीचे वाली वायर में बी बाहर है, करंट इधर है, तो फोर्स कैसी है नीचे, इसके अंदर बी बाहर है और करंट कैसे है नीचे, बी बाहर है करंट नीचे, तो फोर्स कैसी है इस तरफ। तो हर वायर के ऊपर फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये वो प्रॉब्लम है।